बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आपके पाक स्टडी का लेक्चर नंबर 6 परवेज मुशर्रफ के दौर में इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली और मुकामी हुकूमत, ये आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले ज़रा देखिए मुकामी हुकूमत क्या होती है। मुकामी हुकूमत से मुराद ऐसी हुकूमत जिसकी बागडोर मुकामी लोगों के हाथ में हो, वो मुकामी हुकूमत कहलाती है। अब अगर हम इसका तारीखी पस मंज़र देखें बरसगीर में मुकामी हुकूमत का, तो सबसे पहले वायसराय लॉर्ड रिपन ने मुकामी हुकूमत का निज़ाम मुतारफ़ करवाया जो कि 1884 में था। ये ज़िला और तहसील की सतह पर मुकामी बोर्ड बनाए गए, लेकिन ये गवर्नमेंट बुरी तरह नाकाम हुए क्योंकि इस हुकूमत के पास ना तो इख्तियारात थे और ना ही वसाइल। सदर अयूब खान ने भी बुनियादी जमहूरियतों का एक निज़ाम मुतारफ़ करवाया जिसे बुनियादी जमहूरियत का नाम दिया गया। इसका मकसद ये था कि निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकली हो और अवाम के मसाइल का हल बुनियादी सतह पर उनके नुमाइंदों के ज़रिए किया जाए, लेकिन ये भी निज़ाम खातरहा तब्दीली ना ला सका। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी ये निज़ाम कामयाबी हासिल ना कर सका। जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में भी इस निज़ाम को मरहलावार कोशिश की गई कामयाब बनाया जाए, मगर अवाम की अक्सरियत को इसका कोई खातर खा फायदा ना हो सका। लोकल गवर्नमेंट प्लान 2000, जनरल मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को हुकूमत संभालने के बाद मकामी हुकूमत में वाज़े तब्दीलियां लाने का वादा किया था, इक्तदार को अवाम की निचली सतह तक मुंतकिल करने का वादा किया और पाकिस्तान में मुकामी हुकूमत को 3 हिस्सों में तकसीम किया। उसमें एक यूनियन हुकूमत, एक तहसील हुकूमत और एक ज़िले हुकूमत शामिल। सबसे पहले हम यूनियन हुकूमत देखेंगे। यूनियन गवर्नमेंट में यूनियन नाज़म, यूनियन नायब नाज़म, यूनियन काउंसिल और यूनियन इंतज़ामिया, ये 3 चीज़ें थी इसमें। अवाम यूनियन काउंसिल के अराकीन का इंतखाब करते थे। इसके अराकीन की कुल तादाद 15 थी, जिसमें एक नाज़म, एक नायब नाज़म, 4 मर्द जनरल काउंसिलर, 4 खातीन जनरल काउंसिलर, 2 मर्द किसान या मजदूर काउंसलर थे, 2 खातीन किसान मजदूर काउंसलर थी और एक अकलीती काउंसलर शामिल था। इन सब का हेड जो है वो यूनियन नाज़म था। यह आगे आपका एक शार्ट क्वेश्चन है कि यूनियन हुकूमत के फ़राइज क्या आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है, वो ये आप करेंगे। अपनी हदूद के अंदर सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना, अपने इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम बनाना, मुकामी सतह पर टैक्स लगाना और बुनियादी नवयत के जो मुकदमात होते हैं खानदानी झगड़े वगैरह जो हैं उनका हल करना, ये यूनियन काउंसिल के फराइज। तो इससे ये जो यूनियन हुकूमत है इसमें आपका एक शार्ट क्वेश्चन है आखिरी 2 लाइनों में, ये आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है, ये आप करेंगे। आगे है तहसील हुकूमत, ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आप तैयार करेंगे। तहसील गवर्नमेंट, तहसील हुकूमत में तहसील नाज़म और नायब नाज़म तहसील होता है, उसमें तहसील काउंसिल होती है और तहसील इंतजाम, ये 3 चीज़ें हैं, तहसील नाज़म, नायब नाज़म, तहसील काउंसिल और तहसील इंतजामिया। अब
इसमें ज़रा गौर करें कि तहसील नाजम और नायब नाजम के लिए तालीमी काबिलियत कम अज़ कम मैट्रिक रखी गई, और इस इनका इंतहाब जो है उसका तरीका ये था कि इस तहसील में मौजूद तमाम यूनियन काउंसिल्स में वो मिलकर तहसील नाजम और तहसील नायब नाजम का इंतहाब करेंगे। तहसील नाजम जो होता है वो तहसील हुकूमत का इंतजामी जो है वो सरबराह जो है वो होता है। तहसील काउंसिल जो होती है, अब इसकी तरफ आ जाएं, तहसील काउंसिल में तहसील के तमाम जो यूनियन काउंसिलों के नायब नाजमीन शामिल होते हैं। तहसील काउंसिल में 33% जो नशिस्तें हैं वो औरतों के लिए रखी गई हैं, 5% नशिस्तें किसानों और मजदूरों के लिए रखी गई थी, और 5% जो नशिस्तें हैं वो अकलीतों के लिए माइनॉरिटीज के लिए मखसूस थी। तहसील हुकूमत जो है इसका सरबराह जो है वो तहसील नाजम कहलाता है। तहसील इंतजामिया अगर देखें तो तहसील नाजम के मातहत एक तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर होता है जिसको TMO कहते हैं। तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर के मातहत मजीद 4 तहसील ऑफिसर होते हैं जिनको TOs कहा जाता है, जिनका काम मुख्तलिफ शोबों के मामलात की निगरानी करना था। अब वो कौन से शोबे हैं? उनमें मालियात, बजट, अकाउंट, ज़मीनों के इस्तेमाल का रिकॉर्ड, मनसूबा बंदी, दही और शायरी मनसूबा बंदी, और म्यूनसिपल राबता दर्जा बंदी वगैरह जो है वो शामिल है। तो जिस तरह ही आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है जो एक्सरसाइज में मौजूद है वो मुकम्मल हुआ, जिसमें तहसील हुकूमत जो है उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद आपका एक और लॉन्ग क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में मौजूद है वो है ज़िली हुकूमत यानी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। इसमें भी 3 चीज़ें हैं। ज़िली हुकूमत में ज़िली नाजम और ज़िली नायब नाजम होता है, फिर ज़िला काउंसिल होती है और ज़िला इंतजाम, ये 3 चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। एक ज़िला में तमाम यूनियन काउंसिलों के जो नाजम ज़िला काउंसिल में शामिल होते हैं, और ज़िला काउंसिल की कुल तादाद का 33% हिस्सा औरतों के लिए, जबकि 6% जो सीट्स हैं वो किसानों और मजदूरों के लिए रखी गई, और 5% जो नशिस्तें थी वो अकलीतों यानी माइनॉरिटीज़ के लिए जो है वो मखसूस थी। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि एक ज़िला से मुंतहिब होने वाले तमाम यूनियन काउंसलर्स नाजम और नायब नाजम जो हैं वो ज़िली नाजम और नायब नाजम का मिलकर इंतहाब करें, यानी ये तरीक़ाकार है जो ज़िली नाजम और नायब नाजम है उनको मुंतहिब करने का, कि इस ज़िला में जो यूनियन काउंसलर्स नाजम और नायब नाजम होते हैं वो सब मिलकर जो है वो एक ज़िली नाजम और नायब नाजम को मुंतहिब करते हैं। ज़िली नाजम ही तमाम इंतजामी इख्तियारात का सरबराह होता है ज़िला के अंदर। अब ज़िला की जो पुलिस है और इंतजामिया ज़िली नाजम को जवाबदेह थी कि भाई आपकी क्या कारकर्दगी है, उन्होंने सब कुछ ज़िली नाजम को बताना था। ज़िली नाजम ज़िला की सतह पर सियासी क़यादत फराहम करता है, और वो ज़िला की जुमला जो जितनी भी ज़रूरियात होती हैं उनका ज़िम्मेदार होता है उसकी तरक्की का, उसकी खुशहाली का। अब आ जाए ज़रा ज़िली इंतज़ामिया की तरफ कि इसमें क्या मामलात हैं। इसमें ज़रा गौर करें तो कि ज़िली इंतज़ामिया ज़िली राबता ऑफिसर DCO डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर के ज़रिए चलाया जाता था। ज़िला की इंतज़ामिया मुख्तलिफ महकमों पर मुश्तमिल होती है, और हर महकमे का जो सरबराह है उसको एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर EDO कहा जाता है। जितने भी किसी ज़िला के अंदर महकमे होंगे वो तालीम का है, सेहत का है, उन सब को चलाने के लिए एक EDO होता है। ज़िली इंतज़ामिया ज़िला के लिए कवायद व ज़वाबत बनाती है, मुख्तलिफ प्रोग्राम तश्कील देती है, बजट बनाती है, और ज़िली नाजम और ज़िला काउंसिल की मंजूरी के बाद इस पर अमल दरामद जो है वो किया जाता है। ज़िले हुकूमत को ज़िला में टैक्स लगाने का भी इख्तियार होता है,
और उनमें कमी बेशी का भी इख्तियार जो है वो इसके पास होता है। तो अजीज तलबा, ये आज हमने एक शार्ट क्वेश्चन और दो लॉन्ग क्वेश्चन यानी तहसील हुकूमत और ज़िले हुकूमत इस लेक्चर में आज हमने ये किया, इसको अच्छे तरीके से